रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम स्पोर्ट्स सेफ्टी कॉम्प्रिहेंशन में आज जो क्वेश्चन करेंगे वो ये है, आपने राशिद के बारे में पढ़ा, राइट फ्यू लाइंस ऑन राशिद्स कैरेक्टर एज यू सी हिम इन द स्टोरी। आपने उसको कैसा पाया उसके बारे में चंद लाइन्स लिखें। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज डिस्टिंक्टिव टू एन इंडिविजुअल, वो इखलाकी खूबियाँ जो कि एक इंसान में हो उनको करैक्टर या किरदार कहते हैं, और उसको पर्सनैलिटी के नाम से भी याद करते हैं। आवर करैक्टर इज वट वी डू वेन वी थिंक नो वन इज लुकिंग। हमारा करैक्टर क्या है, जब हम सोच रहे होते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। द रियल रिचनेस इज वेन यू आर सो एक्सपेंसिव दैट नो वन कैन बाय योर करैक्टर। असल अमीरी ये है कि तुम इतने महंगे हो जाओ कि कोई तुम्हारे किरदार को खरीद ना सके, तुम बिक ना सको, तुम झुक ना सको गलत बंदे के आगे। नो एक्शन कैन बी अ बेनिफिट टू यू अनलेस यू डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। कोई भी अमल तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकता जब तक वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए ना किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी नीयत खालिस कर लेनी चाहिए कि हम जितनी भी खूबियाँ करेंगे सीखेंगे वो अल्लाह की खातिर करेंगे। और सबसे पहले खूबी है ट्रुथफुलनेस। एक हदीस है कि सच्चाई रास्तबाजी की तरफ ले जाती है और रास्तबाजी जन्नत में ले जाती है, यानी सच बोलना जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। और फिर सच बोलने का ये भी फ़ायदा है कि जो बंदा कहता है वो सच ही उसने कहना है, उसे याद नहीं रखना पड़ता कि किस मौके पर उसने क्या बात करनी है, क्योंकि जो सच बोलता है वो हमेशा हर जगह एक ही बात करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी सच्चा करते थे। एक दफ़ा एक सहाबी ने कहा कि उन्हें एक सवारी के लिए जानवर चाहिए, तो आपने कहा कि अच्छा मैं तुम्हें एक बेबी कैमल देता हूँ। तो उसने कहा कि आप मैं बेबी कैमल के ऊपर कैसे बैठूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारा ख्याल है कैमल जो है वो एक शी कैमल का बेबी ही तो होता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने बेस्ट एजुकेशन और अपब्रिंगिंग की अपनी बेटियों की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉडेस्टी के बारे में बताया कि मॉडेस्टी इज़ लोअरिंग योर गेज़, अपनी नज़रें नीची रखना हया है। मॉडेस्टी क्या है, अल्लाह की मखलूक की बजाय अल्लाह से ही शर्म करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। सीकिंग नॉलेज इज़ अ ड्यूटी अपॉन एवरी मुस्लिम, जो इल्म हासिल करना है हर मुसलमान पे फ़र्ज है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलियन द लाइफ को चेंज किया। आप एनिमल वेलफेयर के बारे में, जस्टिस के बारे में, इन्वायरमेंट में, हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसाल हैं। और कुरान मजीद में आता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 में कि तुम में से अगर तुम उसवा हुसना बेहतरीन अखलाक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर हम अपने अखलाक को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। तो राशिद लाइक्स टू प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, ही इज़ हेल्पफुल टू हिज फ्रेंड्स इन आवर ऑफ नीड, जब उसके दोस्तों को ज़रूरत होती है तो उनकी मदद करता है। ही इज़ अलर्ट, ही इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड टू स्क्रीम, वो अलर्ट है, वो होशियार है, उसने जैसे ही चीख की आवाज़ सुनी उसने फौरन उसको उसकी तरफ मुड़ के देखा। और फिर क्या है, ही वॉज अवेयर ऑफ रिस्क ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग प्लेइंग, उसे पता था कि खेल के दौरान में चोट लग सकती है, इसलिए फौरन उसने देखा कि कौन नीचे गिरा है और उसे जाके चेक किया। और केयरफुल, राशिद वॉज केयरफुल, ही आल्सो कॉल्ड टीचर्स फॉर हेल्प, वो केयरफुल भी था कि पूरी जिम्मेदारी लेने के बजाय टीचर्स को बुलाया। तो प्यारे बच्चों, ये अपने गिरा में बांध लें कि मोहम्मद से वफात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अगर अपना अखलाक और किरदार अच्छा बनाना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, अल्लाह से दुआ मांगें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।